नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी आजमी। आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम। मेरा नाम आशुतोष जैन है। मैं मेक अ डिफरेंस सोसाइटी को मेंटेन करता हूँ और जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में हमारी सोसाइटी जो है शिक्षा क्षेत्र में काम करती है, बस हेल्थ और स्वास्थ्य के लिए काम करती है। हम लोग आज पूरे जयपुर ब्लॉक में, क्योंकि यहाँ पर मास्क और सैनिटाइजर की बहुत कमी है, तो हम लोग अपनी सोसाइटी की तरफ से कुछ हमारे सहयोगी लोग हैं उनके द्वारा फ्री मास्क सबको बांट रहे हैं, गाँव गाँव जाकर शहर में बांट रहे हैं और सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो कैसे बचें कोरोना से, लोगों से दूरी बना के रखें, बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको भी बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोग किसी भी तरह जागरूक हों, क्योंकि जागरूकता का अभाव बहुत ज़्यादा है। और मैं लोगों से अपील भी करूँगा कि वो लोगों के नज़दीक ना आएँ, छोटे छोटे बच्चों से दूर रहें और सभी लोग कम से कम 3 से 5 फीट की दूरी पर रहें। जिसको भी थोड़ी बहुत भी परेशानी है वो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपनी जांच कराएं और अपने आप को सैनिटाइज करें और बस यही चीज़ें हैं और घर के अंदर रहें और सरकार की जो पालन है, सरकार जो कह रही है उसका पालन करें, क्योंकि सरकार से हमारे बारे में सोच रही है। इसलिए लोगों से मैं एक बार फिर से अपील करता हूँ कि वो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बेकार में मतलब बेवजह मार्केट में ना निकलें, ना घूमें, लोगों से दूरी बना के रखें। एक और सर, जहाँ आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर आप लोग अपनी सुरक्षा के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? हम लोग पूरी तरह से मास्क लेके लगाए हुए हैं, ग्लव्स लगाए हुए हैं, सैनिटाइजर हमारे साथ में हैं, तो हम लोग बराबर अपने आप को सैनिटाइज भी कर रहे हैं जिससे हमारी वजह से किसी को परेशानी ना हो या दूसरों की वजह से हमें परेशानी ना हो। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।